हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल मंडल आर्ट। मैं आज आपको बताने वाली हूँ कलर थ्योरी के बारे में। कलर थ्योरी सुन के ही लोगों को लगता है कि ये है क्या। एक्चुअली ये इतना मुश्किल नहीं है। ये कुछ कुछ सेंस तो हमें होता ही है, क्योंकि हमें इतना तो पता है कि हमें कौन से कलर अच्छे लगते हैं, कौन से कलर नहीं अच्छे लगते। तो फ्रेंड्स, जो आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ, डेफिनेटली आपने बहुत सारे लोग होंगे आप में से जिन्होंने इन कलर्स के बारे में सुना ही नहीं होगा, उनको पता ही नहीं होगा कि इन कलर्स को एक्चुअली में कहते क्या है। आपके जो माइंड में जो डिजाइनिंग को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, कलर्स को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, आज मैं वो उसको क्लियर करने वाली हूँ। तो मेरी वीडियो को आप स्टार्टिंग से एंड तक देखोगे तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। और बिकॉज आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में पेंटिंग बताने वाली हूँ, तो आपको कलर के बारे में नॉलेज जब तक नहीं होगी तब तक आप पेंटिंग करते टाइम आप बहुत ही परेशान हो जाओगे कि कौन सा कलर यूज़ करें, कौन सा कलर यूज़ करें। बिकॉज दो तीन कलर के बाद लोगों का दिमाग ही नहीं चलता कि कलर रखे क्या। चलिए फटाफट से मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डेली लाइफ में बहुत सारे कलर्स देखते हैं। कलर्स की वजह से हम इमोशंस को पहचानते हैं, मूड को पहचानते हैं और प्रॉब्लम्स को भी पहचानते हैं। कलर्स जो है वो हर चीज़ को मतलब किसी भी चीज़ का जो एक्सप्रेशन होता है, कलर थ्योरी जो है वो आपको कॉन्फिडेंस देती है कि आप कौन से डिज़ाइन में कौन सा कलर यूज़ करोगे, कौन से कलर के साथ कौन सा कलर अच्छा लगता है। या एग्जांपल के लिए, अगर आपने कोई कपड़े पहने हैं तो कौन से कपड़े के साथ, कौन से कलर के कपड़े के साथ कौन से कलर की ड्रेस मैच करेगी, कौन सी सैंडल मैच करेगी। तो ये है कलर थ्योरी, जिसको कि हम समझ नहीं पाते, बट नॉलेज हम सबको होती है मोस्टली, बहुत कम लोग होते हैं जिनको नहीं होती है। तो इसको थोड़ा अलग तरीके से जानते हैं, बिकॉज इसका जो यूज़ है, इसका यूज़ जो है वो हमें डिज़ाइन में करना है, इसलिए इसे हम थोड़ा डिटेल में जाए। आपने प्राइमरी और सेकेंडरी कलर के बारे में स्कूल्स में ज़रूर पढ़ा होगा कि हर स्टूडेंट को बताया जाता है। तो एटलीस्ट आपको ये तो पता ही होगा कि प्राइमरी कलर कौन से हैं और सेकेंडरी कलर कौन से। रेड एंड येलो मिक्स करके बनता है ऑरेंज, मीन्स हमारा जो रेड और येलो कलर है वो नेचुरल है, प्राइमरी कलर है, और जो ऑरेंज है वो सेकेंडरी कलर है। ऐसे ही येलो और ब्लू को मिला करके बनता है ग्रीन कलर। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ब्लू कलर है वो भी प्राइमरी है, बट हमारा जो ग्रीन कलर है वो प्राइमरी नहीं है, वो सेकेंडरी है। इसी तरीके से हमारे रेड और ब्लू को मिला करके बनता है पर्पल, मीन्स कि ब्लू एंड रेड एंड येलो, ये तीन कलर जो है ये हमारे प्राइमरी कलर है, और जो इनसे मिलके बनते हैं और जो भी इन कलर्स के साथ मिक्स करके बनते हैं, जो भी इन कलर्स को मिक्स करके बनते हैं वो होते हैं हमारे सेकेंडरी कलर। और इतना ही नहीं, हम इन सेकेंडरी कलर्स से भी मिला करके बहुत सारे कलर्स बना सकते हैं, लाइक रेड को ऑरेंज के साथ मिक्स कर सकते हैं, डार्क लाइट बहुत सारे टोन बना सकते हैं। तो इसके लिए आप कलर व्हील देख सकते हो, कलर व्हील देख करके आपको पता लग जाएगा कौन सा कलर कौन से कलर को मिक्स करके बनता है। इसके बाद आता है ह्यू, सैचुरेशन एंड वैल्यू। ह्यू, सैचुरेशन एंड वैल्यू जो है ये आपको कलर्स के बारे में बताते हैं। ये आपको फोटोशॉप पे वर्क करोगे आप या किसी भी सॉफ्टवेयर पे वर्क करोगे तो आपके कलर मोड में ये सारी चीज़ें आएंगी। तो जो ह्यू होता है वो एक प्लेन कलर होता है, और सैचुरेशन जो होता है वो होता है किसी भी कलर की जो इंटेंसिटी होती है उसको बढ़ाना या घटाना। जैसे कि आप वाइट के साथ किसी कलर को मिक्स करो तो वो कलर लाइट होगा, आप जितना कलर डालोगे कलर डार्क होगा, जितना वाइट डालोगे कलर लाइट होगा। अब आते हैं वैल्यू पे। वैल्यू जो होता है बेसिकली वो किसी भी कलर के डार्क एंड शेड दोनों चीज़ों को दिखाता है, मीन्स ब्लैक के साथ भी हम मिक्स करते हैं, डार्क के साइड भी जाते हैं एंड हम लाइट के साइड भी जाते हैं। सैचुरेशन में क्या था, हम सिर्फ कलर को लाइट करते हैं, बट वैल्यू में हम कलर को डार्क भी करते हैं और लाइट भी करते हैं, मीन्स ब्लैक के साथ भी मिक्स करते हैं और वाइट के साथ भी मिक्स करते हैं।
आप कलर को मोनोक्रोमिक मेथड में देख सकते हो, क्योंकि उसमें आपको जो कलर का जो ह्यू होता है, मींस फ्लैट कलर को उसके बहुत सारे शेड्स लाते हैं हम उसमें कलर मिक्स करके, एंड उसमें आपको सैचुरेशन, ह्यू एंड वैल्यू तीनों देखने को मिल जाते हैं। मोनोक्रोमिक कलर के बाद आता है एनालॉग। एनालॉग कलर जो होते हैं वो कलर व्हील में जो एक कलर के बाद या पहले जो सात के कलर्स आते हैं वो होते हैं आपके एनालॉग कलर, लाइक रेड से ऑरेंज एंड ब्लू से ग्रीन तक। इन कलर्स को प्रोफेशनली यूज़ करने के लिए आप कलर हार्मनी एंड कलर व्हील, ये दोनों चीज़ों की स्टडी कर सकते हैं, जिससे आपको कलर के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी। तो नेक्स्ट जो है वो है हमारे कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। फ्रेंड्स, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स वो होते हैं जो कलर व्हील में एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में होते हैं। ऑपोजिट साइड मीन्स एग्जाम्पल के लिए ब्लू एंड ऑरेंज एंड रेड एंड ग्रीन। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं इनको आप यूज़ करना थोड़ा अवॉइड करना, बिकॉज ये देखने में कूल नहीं लगते, ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट लगते हैं, बहुत ज़्यादा ब्राइट लगते हैं। तो आप कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स को थोड़ा आप अवॉइड करोगे डिज़ाइन में। कॉम्प्लीमेंट्री कलर यूज़ करने की जगह पे आप किसी भी एक दो कलर्स के बहुत सारे शेड यूज़ कर सकते हो, लेकिन जस्ट उनके सामने वाले जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर हैं उनको यूज़ करने से आपकी डिज़ाइन जो है उतनी अट्रैक्टिव नहीं लगेगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स की जगह पे आप स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स यूज़ कर सकते हो। अभी आप सोच रहे होगे कि स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कौन कौन से होते हैं। फ्रेंड्स, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स ये होते हैं जो कलर व्हील में जो जस्ट सामने सामने कलर होते हैं ना, तो उनके जो साइड वाले कलर होते हैं, एग्जांपल के लिए रेड के सामने ग्रीन होता है, तो ग्रीन के जो दोनों साइड लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन या ब्लू का मिक्स होता है वो रेड के साथ यूज़ करना, वो है आपका स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री। ऐसे ही आपका ब्लू और ऑरेंज सामने सामने है, तो आपने ऑरेंज लिया और आपने ब्लू के दो शेड लिए साइड साइड वाले, एग्जैक्टली ब्लू नहीं लिया, तो ये है आपके स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री। नेक्स्ट जो है हमारी वो है ट्रायडिक कलर्स। फ्रेंड्स, ये कलर्स वो हैं जो कलर व्हील पे ट्रायंगल बनाते हैं, मींस एग्जांपल के लिए आपका ब्लू, ऑरेंज एंड ग्रीन, ये जो कलर व्हील पे एग्जैक्ट ट्रायंगल बनाते हैं ये हैं आपके ट्रायडिक कलर्स। ये कलर्स जो है ये बहुत ही ट्रैकी होते हैं, तो इनको आप अपने ऐसी डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हो जिसको आप बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना चाहते हो। इसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों कलर्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारे टेट्राडिक कलर्स। तो ये जो कलर्स हैं ये कलर व्हील के ऊपर जो है ये बनाते हैं रेक्टेंगल, एग्जांपल के लिए ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज एंड येलो। इनके जो शेड्स होते हैं ये उनको जब आप साथ में यूज़ करते हो, मींस जब आप स्क्वायर वाले कलर्स जो हैं उनको यूज़ करते हैं, तो वो होते हैं आपके टेट्राडिक कलर्स। तो कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो आपको मैं बताऊंगी, जो आपको कलर के साथ बिल्कुल नहीं करना है, वो ये है कि आप एग्जैक्टली जो कलर है उसको चूज़ करने की बजाय आप उसका शेड यूज़ करो। जगहों पे रिक्वायरमेंट होती है हमारे डिज़ाइन में जहाँ पे हमें मोर वाइब्रेंट कलर्स चाहिए होते हैं, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। एग्जांपल के लिए आप ब्लू एंड येलो को यूज़ कर सकते हो, बट दोनों के एग्जैक्टली जो कलर्स हैं वो शेड यूज़ ना करके उसको थोड़ा लाइट या डार्क करके आप यूज़ कर सकते हो, तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। जो कलर आप यूज़ करोगे वो कलर जो है आपको वो लेजिबल होने चाहिए, एंड वो कलर जो है आइज़ के लिए कंफर्टेबल होने चाहिए ताकि आप उसको देख सको और आपको अच्छा लगे, आँखों को चुभे नहीं। अगर आपने डिज़ाइन में ऑलरेडी दो या तीन कलर यूज़ कर लिए हैं और आपको अभी भी कुछ चीज़ों में नहीं समझ में आ रहा कि आप कौन सा कलर यूज़ करो, तो दो तीन कलर ऐसे होते हैं जो आपको डिज़ाइनिंग में हेल्प करते हैं। ग्रे कलर, ब्लैक कलर एंड वाइट कलर, ये कलर्स जो है वो आप किसी भी कलर के साथ यूज़ कर सकते हो, कलर्स की क्वांटिटी को बढ़ाएंगे नहीं, ये आपके डिज़ाइन को और ही अट्रैक्टिव बनाएंगे। हर कलर का अपना एक मैसेज होता है, एक सेंस होता है, एक साइकोलॉजी होती है उसके पीछे। जैसे आपने बहुत सारे ब्राइट कलर यूज़ किए हैं वो आपके डिज़ाइन में बहुत ही फन को शो करता है, या किड्स के लिए आप जो डिज़ाइन बनाते हो उसमें आप बहुत सारे कलर्स यूज़ करते हो, और जो डिसैचुरेटेड कलर होते हैं लाइक बहुत लाइट कलर्स होते हैं, ग्रे कलर्स होते हैं, ये कलर जो हैं ये प्रोफेशन को दिखाते हैं, बिजनेस को दिखाते हैं। इसके लिए आप वेबसाइट्स को चेक कर सकते हो, किसी ऐसे पर्सन से पूछ सकते हो जिसको कलर्स के बारे में एक्सपीरियंस हो,
या फिर आप जो ऑब्जर्वेशन कर सकते हो आसपास की चीज़ों के साथ, या जो डिज़ाइंस बन रही है उसमें डिज़ाइंस में कलर्स कैसे यूज़ हो रहे हैं, ऐसा जो मेथड है ये आपको कलर के बारे में डेफिनेटली बहुत हेल्प करेंगे, आपको अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और अगर आपको मेरे आगे के और भी वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।